Hello kids, welcome back Kids Education and let's start month's name. First month of the year, January. साल का जो पहला महीना होता है वो होता है जनवरी. क्या होता है? जनवरी. चलिए अब जानते हैं दूसरा मंथ कौन सा होता है. सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल के दूसरे महीने को हम किस नाम से जानते हैं. सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर फरवरी. फरवरी यानी कि फरवरी. फरवरी साल का दूसरा महीना होता है. थर्ड मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है. थर्ड मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का जो तीसरा महीना होता है उसे हम मार्च बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? मार्च बोलते हैं. अब जानते हैं नेक्स्ट मंथ कौन सा है. फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का चौथा महीना होता है अप्रैल. अप्रैल साल का चौथा महीना होता है. तो अगले महीने को जानते हैं उसको क्या बोलते हैं यानी कि फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर. फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर साल के पांचवें महीने को हम किस नाम से जानते हैं. साल के पांचवें महीने को हम मई के नाम से जानते हैं बच्चों. तो चलिए नेक्स्ट मंथ जानते हैं कौन सा होता है. सिक्स मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का छठा महीना कौन सा होता है. कौन सा होता है? जून. आपको पता है बच्चों जून में समर वैकेशन भी आती है. सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर आपको पता है बच्चों साल का सातवा महीना कौन सा होता है. साल का सातवा महीना होता है जुलाई. और बच्चों रीओपन होते हैं ना स्कूल जुलाई में. डू यू लर्न. एट मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का आठवां महीना. साल का आठवां महीना होता है अगस्त. यस. और इसी महीने में 15 अगस्त आती है यानी कि हमारा स्वतंत्र दिवस आता है. नाइन मंथ ऑफ द ईयर. नाइन मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का नौवां जो महीना होता है वो होता है सितंबर. सितंबर यानी कि सितंबर. नेक्स्ट मंथ है टेन मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल के दसवें महीने को हम अक्टूबर के नाम से जानते हैं. और अक्टूबर होता है विंटर में मंथ यानी कि सर्दियों के महीने में आता है अक्टूबर. तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है. 11 मंथ ऑफ द ईयर साल का 11वां महीना. साल के 11वें महीने को हम नवंबर के नाम से जानते हैं. और ये ना सिर्फ 11 मंथ होता है बल्कि ये काफी सर्दी वाला महीना होता है. नेक्स्ट मंथ 12 मंथ ऑफ द ईयर एंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का ना सिर्फ 12वां महीना बल्कि अंतिम महीना भी होता है. कौन सा? दिसंबर. दिसंबर को हम लास्ट मंथ ऑफ द ईयर के नाम से जानते हैं बच्चों. तो चलिए ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी मोटी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना. तो चलिए मिलते हैं हम ऐसी ही छोटी छोटी और जानकारियों के साथ आपको कल. और कल आएंगे हम एक नई फनी वाली वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए बाय बाय.